अच्छे लोग अच्छी किताबें देर से समझ में आती है। मैं आपको कह कह के थक लिया हूँ कि जाके अपने जिले में ग्राम सभा में संगठन बनाओ, मेहनत करो, भाईचारा बनाओ, कमेटियां बनाओ, लेकिन वो काम करने की बजाय चमक धमक के काम ज्यादा अच्छे लगते हैं। आपके संगठन में अनुशासन नहीं आएगा तब तक आप कामयाब नहीं होंगे। तो नारे के साथ साथ जो महापुरुषों के सपने थे और समाज की जो बुनियादी जरूरत उसको भी उसको बोलना पड़ेगा, तो हमें समझना पड़ेगा ये जो हम काम कर रहे हैं किसी और के लिए नहीं कर रहे, हम अपने महापुरुषों के कर्ज को उतारने के लिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमारे लिए किया, क्योंकि हमें परिवार में चीजों पर चर्चा होनी चाहिए। आप ये समझो, अपने मन से बताओ कि अगर यहां आपको नहीं बुलाया गया और आप आ गए हैं और किसी कारण से आपसे मुलाकात नहीं हो पाती तो आपके पैसे और समय का नुकसान होता है क्यों? होता है क्यों? जैसे मुझे मध्य प्रदेश और एक छत्तीसगढ़ कार्यक्रम बिल्कुल नजदीकी है, उसमें मुझे जाना है। सोचो अगर मैं वहां चला जाता तो आपकी पूरी मेहनत और पैसा खराब हो जाता, समय खराब होता नहीं। तो कोई भी संगठन बिना अनुशासन के नहीं चलता, जिस संगठन में अनुशासन नहीं होता वो कामयाब नहीं होता। तो एक अनुशासन होना चाहिए। मैं यहां आप लोगों ने दिल्ली मुझे पार्लियामेंट में पैसा जुटा के साधन जुटा के संघर्ष करके इसलिए नहीं भेजा कि आप आगे मिलेंगे मुद्दत से भेज करें, मैं आपको आपने मुझे भेजा कि मैं आपकी निष्पक्ष आवाज हूं जो कमजोर वर्गों के लिए हर सीमा पे हर पटल पे हर पैमाने पे मजबूत आवाज उठाएगी, आपके लिए नए अवसर पैदा करने में मदद कराए, इसलिए भेजा। यह इसलिए कि आप मेरा धन्यवाद करो, मैं आपका धन्यवाद करूं। और जब आप मुझे समय नहीं देंगे तो मैं उस काम को कैसे कर पाऊंगा? भाई कोई भी काम मेरा समय पे होता है कि जब मैं सोचूंगा नहीं, स्टडी नहीं करूंगा, ये मेरे लिए भी नया, जो पार्लियामेंट का जो पटल है मेरे लिए नया, मैं भी बहुत बार एमपी एमएलए नहीं बना, तो मुझे उसमें जाके आपके सम्मान की रक्षा के लिए और मैं कुछ कर पाऊं तो मुझे सीखना पड़ेगा। अब आप महसूस करो यहां बैठे 30% लोग ऐसे हैं जिनके मेरे फोन से कॉन्टेक्ट है, जिनसे मैं फोन पर बात कर लेता हूं, मैं दिन में कम से कम 700-800 कॉल रिसीव कर रहा हूं और फिर मेरे साथ के लोग भी कर रहे हैं। आप बताओ हमें कहां से मैं भाई, वही 12 घंटे आपके पास है वही मेरे पास है, और अगर ये समय हमने मिलने मिलाने में और फोन उठाने में बधाई देने में सब चीजों में खत्म खराब कर दिया तो फिर जब सेशन निकल जाएगा तो मैं क्या करूंगा? मैं आपकी आपके प्रेम को समझता हूं लेकिन आप ही बताइए, अगर आप अपने सीधे नेता आपके बाद जाके समय लेकर आ जाएंगे तो उस समय पर मैं भी अवेलेबल रहूंगा और आपको भी परेशान करना पड़ेगा। आपको तो पता है यहां जहां रहते हैं एक कमरे का घर है, एक ही कमरा है, उसमें 8-9 लोग रह सकते हैं, बैठ सकते हैं। अब जो बहुसंख्यक लोग आएंगे उनको सड़क पर या पहाड़ी पर घूमने खड़े रहना पड़ेगा, ये लंबी गेट में उतर इधर वाले वो आंख में लग रहा है तो उनको बाहर खड़ा रहना पड़ेगा। यहाँ टेम्परेचर 48-49 डिग्री होगा, 47 डिग्री 46 डिग्री लू चल रही है तो लोग बीमार होंगे, तो इसमें गलती थोड़ा ही। अगर हम समय लेके बात करके आ जाए तो इसमें किसान नुकसान थोड़े होगा भाई, आज ही मिला 2 दिन बाद मिल जाएगा, 2 दिन बाद मिले तो 4 दिन बाद मिल जाएगा, 6 दिन बाद मिल जाएगा, ऐसा थोड़ा इसमें खा जाएगा आपके पास। असल बात है अनुशासन की, क्योंकि अनुशासन बनाना बड़ा कठिन काम। जब तक आपके संगठन में अनुशासन नहीं आएगा तब तक आप कामयाब नहीं होंगे। और अनुशासन किसे कहते हैं इसके लिए हमारे बहुत सारे सीनियर लोग बैठे हैं जिन्होंने बीच में मुझे बहुत लंबे लंबे मैसेज करे थे, गलत भी नहीं कर पा रहे, जिन्होंने मुझे बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे मैसेज किए थे। अच्छे लोग अच्छी किताबें देर से समझ में आती है। मैं आपको कह कह के थक लिया हूं कि जाके अपने जिले में ग्राम सभा में संगठन बनाओ, मेहनत करो, भाईचारा बनाओ, कमेटियां बनाओ, लेकिन वो काम करने की बजाय चमक धमक के काम ज्यादा अच्छे लगते हैं। आप मुकाबला करना चाहते हैं उन पार्टियों से जो सत्ता में शामिल है और आप
अपने आप को आप तैयार नहीं कर पाए। आप जिस हथियार को इस्तेमाल करना चाहते हो, हथियार अगर आपने चलाना नहीं जानते उसको, तो कैसे इस्तेमाल कर लो। तो जो यूपी में जो लेटर जारी हुआ कि भाई कोई भी आदमी अगर मिलने जाना चाहता है तो पहले परमिशन ले ले, जानकारी ले ले कि वो मिलेंगे नहीं मिलेगा, किस समय फ्री है, तो वो सही है गलत ही बता, उसका आपको नुकसान है फायदा है। सोचो मैं पायलट में जैसे चला गया वहां, जैसे आज मैं ऑफिस में था, अब तक 3 बजे वहां से निकला, तो आप बताओ आप 6-5 घंटे यहाँ सड़कों में घूमते रहोगे, भूखे प्यासे रहोगे, कहां से आपके लिए व्यवस्था हो करना। जब तक यहाँ घर नहीं मिल जाता तो मैं आपको ये भी नहीं कह सकता कि आप रुक जाओ, क्योंकि आप भी जानते मेरी आर्थिक स्थिति क्या, आर्थिक क्या पैसा जानते हो, दिल्ली है सर, यहाँ पानी के भी पैसे लगते हैं। तो मैं इसलिए शायद उन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए लेटर जारी करके कहा कि भाई कोई भी जाएगा तो परमिशन लेके जाए, जिससे कि ये जानकारी हो जाए कि 4 बजे हमारे इतने आदमी आएंगे और 4 बजे आपको फ्री रहना, तो उनसे मिलकर वो भी अपने काम चले जाए, मैं भी अपने काम चले जाए। क्या इतने फ्री है कि देखे घंटे के लिए यहाँ घूमते फिर 8-8 घंटे सड़कों घूमते फिर क्या बेकूफ लोग हैं। तो अनुशासन शक्ति की पूंजी, अगर शक्ति बनानी है तो अनुशासन स्वीकार, और नहीं बनानी तो कोई बात नहीं। मैं अकेला क्या करूंगा पार्लियामेंट में जब तक आप जैसे सैकड़ों लोग वहां नहीं आएंगे। वो सैकड़ों लोग आएंगे कैसे, तो ऐसे आएंगे कि जैसे हमने वहां पर मेहनत की ऐसे आप जाकर अपने क्षेत्रों में मेहनत करोगे। तो अगर पार्लियामेंट में नहीं आएंगे तो आपकी असेंबली में आएंगे, और जब असेंबली में आ जाएंगे और अच्छा काम करेंगे तो पार्लियामेंट में भी जनता मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं भी कोशिश कर रहा था कि आपको समय दे दूं, लेकिन ये वो समय है जिस समय अब 24 तारीख का सेशन शुरू होने वाला है, जहां मुझे बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ करके दिखाना है। ऐसे समय की जाने में जो है एक जमीन का नाम मैं भी लगाता हूँ, उससे क्या होगा, पहले सड़कों में लगाते पार्लियामेंट सब बदल जाएगा। तो नारे के साथ साथ जो महापुरुषों के सपने थे और समाज की जो बुनियादी जरूरत, उसको भी उसको भी बोलना पड़ेगा, उसको भी सरकार जहां मानना पड़ेगा मानना पड़ेगा, और नहीं मानने जाओ तो कैसे चलेगा पता नहीं चलेगा। तो आप भरोसा नहीं कर सकते, अनिल जी इस बात के गवाह हैं हिमांशु जी, कि कितने मुश्किल समय से मैं समय निकाल के यहां पहुंचा। अगर आप मेरा शुरू देखोगे तो आप अचरज मान जाओगे कि मैं कितना काम छोड़ के यहां आया आपके पास, क्या सुना, ठीक है। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पहुंचने के लिए, मगर मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप अपने अपने कार्यों पर जाकर जुटे, अपनी अपनी विधानसभा, अपने अपने लोकसभा क्षेत्र, अपने अपने जिलों में, और मिशन की भावना अपने अंदर पैदा करें। अगर मिशन की भावना नहीं होगी तो फिर काम आगे नहीं होगा। जब हम ये सोचेंगे कि ये तो वो क्यों नहीं कर रहा, मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं ज्यादा कर रहा हूँ, कम क्यों कर रहा है, उसका भी सम्मान होगा, मेरा भी सम्मान होगा, तो हमें समझना पड़ेगा ये जो हम काम कर रहे हैं किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने महापुरुषों के कर्ज को उतारने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए किया, तभी तो आज भी साल की इज्जत से बैठे हैं, बैठे नहीं बैठे, तो इसके लिए तो महापुरुषों ने संघर्ष किया ना। तो जब इसके लिए महापुरुष संघर्ष किया, ये अवसर पैदा हुए, तो समाज को अगर अवसर दे रहे हैं, कमजोर वर्गों को कैदों में खड़ा करना है, उनको इज्जत समाज की जगह दिलानी है, गांव देहात में रहने वाली करोड़ों माओ बहनों को दुर्ग जाति के शिकारों से बचाना है, अपने बड़ों का सम्मान की रक्षा करनी है, और आने वाली पीढ़ियों को छोड़ना है तो बचा कर रखना है, फिर हमें भी अपने अपने कर्ज को उतारना पड़ेगा, समाज की जिम्मेदारी उसको, वरना हमारे बीच में हमारे भाई बैठे हुए हैं और पुरुष परिवार ने क्या सहारा है, ये एक भी दो परिवार जहां ऐसे मिली जानकारी, एक भाई जितेंद्र मेघवाल का परिवार और दूसरा भाई ओम प्रकाश बैगर का परिवार, दो परिवार यहां हमारे बीच में जिन्होंने हम लोग को खोया है, इस व्यवस्था में सत्ता की शक्ति से जिस तरह से हमसे न्याय छीना है और जिस तरह से हमें जानवर समझ के मार रहे हैं, दो परिवार के साथ यहां बैठे हैं। आखिर कितने परिवार के पास जागना चाहते हो, या बस इसी में भक्ति में लगे रहना चाहते हो, मैं अकेला क्या करूंगा, मेरी ताकत तो आप ही लोग, जब आप वहां मजबूत कर दोगे वहां और सरकार में करवा लोगे, चंद्रशेखर आजाद की बात नहीं सुनेगी पार्लियामेंट में, और इनकी बात पर अमल नहीं किया गया तो सड़कें जाम होंगी,
पूरी व्यवस्था ठप हो जाएगी, तभी तो सरकार मेरे काम को सुनेगी। और वो कौन कर सकता है, वो जनता का, जनता जब तक तैयार नहीं तो क्यों करेगी? जब तक हमारी बात से सहमत नहीं होगी तो हमारी बात सहमत कौन कराएगा? आप लोग हमारी बात आगे बताए कौन आप लोग? तो यहाँ बोलने की बजाय हमें अपने बुनियादी काम करना है, जिसके लिए मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। और ये बात आपस में वो है, मैं भावना इसको खत्म कर दो तो बहुत अच्छा होगा। मुझे आपसे सिर्फ अनुशासन और समर्पण और संघर्ष के अलावा कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। सब चीज आपके लिए, आप आगे बढ़ो अपने जिले के उसमें, परिषद में, विधानसभा में, लोकसभा में जाके समाज इसके लिए लड़ो और समाज के लिए कार्य करो, यही एकमात्र लक्ष्य मेरे पास है। मुझे ये भी नहीं पता कि कब कहां से कौन सी गोली जो है मेरा सीना चीन करने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो विरोधियों की नजरों में उतनी ही जो है चुप भी रहे। इस बात को भी आप जानते हैं कि आपके भीड़ में नुकसान नहीं पता सकता, यहाँ जितने लोग बैठे हैं तो आप एक दूसरे को जानते समझे, तो अगर आप भी समझदार दिखाओगे तो कौन दिखाएगा? एक लापरवाही बचाते रहे, तो इसलिए मेरा आपसे आग्रह है। मेरे बहुत सारे शानदार साथियां बैठे हैं जिनमें मैं नेतृत्व की क्षमता देखता हूँ, महसूस करता हूँ कि वो अपने विधानसभा, जिले, प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। मैं उनसे आग्रह भी करता हूँ कि वो जिस बल को मैं महसूस करता हूँ उसके आधार पर काम भी करें। अगर आप काम करेंगे तो मेरा विश्वास है कि हम ताकतवर होते हैं, और अगर आपका आंदोलन ताकतवर होगा तो आने वाली पीढ़ियां देश में इतने दो समाज नहीं आ सकते। आप अगर बिना बताए भी आ जाओगे तो फिर भी मैं अपना फर्ज अदा करके मिलूंगा, लेकिन मैं आपके यहाँ परेशान घूमते नहीं गई। जिस दिन मेरे पास यहाँ ठहरने की व्यवस्था हो जाएगी फिर आप बिना बताए भी आ जाए तो कम से कम आपने किया होगा बैठने का, लेकिन कहीं इधर उधर घूमने को परेशान होने से तो अच्छा है। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।